बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की क्या है सच्चाई, कैसे बता देते हैं वो दूसरों के मन की बात, कैसे लिख लेते हैं दूसरों के मन की बात। आज उन्होंने खुद बताया है कि कौन सी शक्तियां हैं उनके पास। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि उन्होंने बताया है अपने इस बात का राज। उनकी जुवानी से सुनिए उनके मन की बात। तेजवीर सिंह, आप तक स्पोर्ट्स न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। हाँ दोस्तों, उन्होंने आज अपने मन से, अपने मुंह से एक बात कही है जो पूरी दुनिया सुनना चाहती थी, आज उन्होंने बताया। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको इस तरीके की और भी वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, आज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। एक दिन हम दादा गुरु जी के पास आए और हमने प्रार्थना की कि आप तो दुनिया का सब कुछ बता देते हो और हमें तो कुछ नहीं, आप हमें बताओ। उन्होंने बहुत मुस्कुराए, रात को आना। रात को गए, उन्होंने फिर सूत्र दिया, बाहें पकड़ी हमारी, बालाजी से उन्होंने जीवन भर के लिए हमें जोड़ा। बोले इससे बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं। ठीक। और एक लीला दिखाई, लीला मतलब एक बहुत तेज सा प्रकाश सा हुआ जो आज तक टीवी पर बताने का विषय नहीं, साधक का अनुभव का विषय होता है। हाँ दोस्तों, तो आपने सुना कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि ये जो शिक्षा और दीक्षा जो ली है उनके दादा गुरु की है, जो शक्तियां उनको मिली हैं वो उनके दादा गुरु द्वारा दी गई हैं, क्योंकि उन्होंने उनको एक चाय का झूठा प्याले में जो चाय दी थी उससे उनको शक्तियां मिली, फिर उन्होंने जो साधना की उन साधनाओं से उनको शक्ति प्राप्त हुई। बाकी इसकी पूरी जानकारी के लिए मेरे अगले वीडियो को आप देखें, क्योंकि मैं उसमें आपको शुरू से लेके अंत तक की मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा कि उनका जीवन काल कैसा था और उन्होंने शिक्षा कैसे ली और दादा गुरु के साथ जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की वो कैसे प्राप्त की, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और बागेश्वर धाम सरकार पर आप विश्वास करते हैं तो आप कमेंट्स करके मुझे जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।